मुश्किल से बांधी है एंड आई डोंट नो आई लुक प्रेग्नेंट इन दिस. Destination is on the right. ये लो मेरी वाली अभी भी बोल रही है डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट. वेलकम बैक टू माई चैनल और शुड आई से वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग जो मैं वंस इन अ ब्लू मून बनाती हूँ बिकॉज यू गाइस नो आई एम नॉट अ व्लॉगिंग पर्सन बट फर्स्ट टाइम डेस्टिनेशन वेडिंग अटेंड करने जा रही हूँ. सो मुझे लगा व्लॉग बना लेते काफी इंटरेस्टिंग होगा. दिस इज लिटरली द फर्स्ट टाइम एवर जब मैंने किसी शादी में जाना है और कहीं दूर जाना है उसके लिए मैं पैकिंग कर रही हूँ बिकॉज ट्रस्ट मी एक बीच वेकेशन के लिए पैक करना काफी ईजी होता है बिकॉज बिकनीज होती हैं शॉर्ट शॉर्ट कपड़े होते हैं और एक सूटकेस में काफी सारी चीजें आ जाती है. बट कल मैंने 3 आउटफिट्स रखे हैं फंक्शन के एंड मेरा सूटकेस पूरा भर गया है. मेकअप किट बनाई अपनी जो पूरी ऊपर तक भर गई है. ये वाला ब्रश नहीं लेके जाऊंगी. ब्रश के लिए मैंने अलग से पाउच बनाया है. दिस इज नॉट माइन ये अमन का है. देन नॉट माइन हिज बैग एंड दिस इज माय बैग. इसमें कुछ भी फिट नहीं आया. 3 खाली कपड़े आए थे ऊपर मैंने इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया. बाय द वे दिस इज द सेम बैग दैट आई गॉट फ्रॉम थाईलैंड. वहाँ के बैग्स काफ़ी अच्छे होते हैं तो मैं एक लेके आई थी. आपने मेरे थाईलैंड हॉल में भी देखा होगा. सो उसको मैंने एक्सटेंड भी कर दिया यहाँ से. दे हैव अ फीचर टू एक्सटेंड एज वेल. ये ना मेरा स्किन केयर का पाउच बॉडी केयर स्किन केयर एवरीथिंग. बीच वेकेशन में तो फ्लैट चप्पल्स होती थी तो इसमें फिट आ जाती थी लेकिन ये इंडियन वाली हील्स तो भाई साहब की तो फिट ही नहीं आती. दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर शादी के बाद मैं साड़ी पहनने वाली हूँ. मैंने लिटरली शादी के बाद साड़ी ही नहीं पहनी विच इज़ क्वाइट आयरॉनिकल. मेरे से साड़ी नहीं बनती सो मैं हर बार ऐसे डिले कर देती थी सूट पहन लेती थी. बट दिस टाइम माई हस्बैंड वॉज लाइक वेयर अ साड़ी एंड ब्लैक साड़ी मैं पहनने वाली हूँ. सो लेट्स सी मिक्स एंड मैच किया मैंने ब्लाउज के साथ अच्छी लगेगी नहीं अच्छी लगेगी वो तो शाम को जब रेडी होंगी तब पता चलेगा. नोट द मेस एट द बैक काफ़ी ज़्यादा मेसी हो रखा है. मैं पूरा क्लीन करके जाऊँगी. बट यार दिस इज वॉट आई एम वेयरिंग माई ब्लिस क्लब की लेगिंग्स. ये वाला टॉप बिकॉज राजस्थान में गर्मी होने वाली है. येस वी आर गोइंग टू राजस्थान एंड इसके ऊपर जैकेट डालूंगी बिकॉज दिल्ली में तो ठंड है एंड वी आर रेडी टू गो. सो लेट्स होप ये व्लॉग मैं कंप्लीट कर पाऊँ. मैं एक्साइटमेंट में व्लॉग शुरू कर देती हूँ और फिर भूल जाती हूँ बिकॉज आई एम नॉट अ व्लॉगिंग पर्सन. तो मुझे ऐसे याद नहीं आता अच्छा कुछ मोमेंट को कैप्चर करना है इन द व्लॉग. आई एम मोर ऑफ अ इंस्टाग्राम स्टोरी पर्सन बट आई ट्राई माय बेस्ट टू व्लॉग इट रियली वेल एंड या लेट्स गो फॉर द ट्रिप नहीं डेस्टिनेशन वेडिंग. लेट्स गो. Moments later. US vibes आ रही हैं यहाँ पे. कितना क्लासी बना हुआ है यार. दिस दिल्ली मुंबई हाईवे इज सो ब्यूटिफुल. एकदम फॉरन वाइब्स आ रही है. ऐसा लग रहा है कहीं बाहर आ गया. सो प्रिटी. ऑल्सो द मैकडी बर्गर टाइम. बहुत धूप है यार. आई हैव टू रीअप्लाई सनस्क्रीन. राजस्थान का व्यू देख लो. क्वाइट गर्मी काफ़ी ज़्यादा गर्मी है यार. द रूम इज गुड टू. मैं लिटरली सनस्क्रीन री अप्लाई करी है बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है. मैं पहले मेकअप कर लेती हूँ. साड़ी नहीं भी बनेगी कुछ और आउटफिट पहन लूँगी. फिर यार ब्लैक साड़ी पे क्या स्मोकी आइज करूँ तो फिर आइज न्यूट्रल रखती हूँ. लिप्स ब्राइट एंड आइज वेरी न्यूट्रल. लेट्स डू इट. काफ़ी सॉलिड लॉल हो गया मेरे साथ. सो मैंने लेंस ऑर्डर करे थे लेंस कार्ड से. मुझे डील अच्छी लग रही थी एंड मेरा क्या है मेरी जो पावर आइज की है वो सेम है -3.5. सो मैंने ये ऑर्डर किया है. थोड़ी पूरा एक पेयर आएगा बिकॉज यूजली जब ऐसे बॉक्सेस आते हैं तो पेयर में आते हैं बट ये एक निकला है इसमें से. अब मैं इसका क्या करूँ. एक आइज का मैं पहन के क्या करूँगी. आई वाज सो एक्साइटेड यार कि मैं ब्लू कलर के लेंसेज ट्राई करने वाली हूँ. सच अ वेस्ट यार. ये फोकस क्यों नहीं कर रहा. माई कैमरा सक्स एट फोकसिंग. बट बड़ा सॉलिड लॉल हो गया यार. देखा ऐसे देते हैं लेंसेज पेयर में. मुझे लगा फ्रेश लुक की तरह या एक्वा कलर भी ऐसे पेयर में आता होगा बट चलो कोई नहीं. अब ये वाले पहन लेते हैं. ओह दिस आर प्रिटी. ये राइट वाला लेंस पहनने में जो हालत बुरी हुई है ना मेरी बट दे लुक प्रिटी. एंड आई एम रेडी. बड़े स्ट्रगल के बाद साड़ी पहनी है बट फाइनली पहन लिया. एंड आई एम नॉट लाइकिंग रेड लिपस्टिक. बड़ी लाउड लग रही है. आई थिंक आई शुड स्विच टू न्यूड. ही लाइक्स रेड आई लाइक न्यूड कलर्स बट
आई डोंट नो यार कैसी लग रही है. सी दिस इज हाउ द साड़ी लुक्स लाइक. काफ़ी स्ट्रगल के बाद बांधी है. अभी सेट नहीं है. आई एम वेयरिंग अ ब्लैक क्रॉप टॉप वेलवेट का जो होता है बिकॉज अच्छा लगता है. आई थिंक रियल लाइक द नेक लाइन. नेक को एकदम मैं खाली छोड़ने वाली हूँ बिकॉज आई वॉन्ट दैट क्लासी सटल वाइल लुक. वेयरिंग दीज इयर रिंग्स दैट आई गॉट फ्रॉम थाईलैंड एंड या वी आर रेडी टू गो. साड़ी कोई गारंटी नहीं है. बड़ी मुश्किल से बांधी है एंड आई डोंट नो आई लुक प्रेगनेंट इन दिस क्योंकि इसकी प्लीट्स मेरे को बांधनी नहीं आती. मुझे साड़ी वैसे भी बांधनी नहीं आती. ऊपर से हैवी बहुत ज़्यादा हैवी ब्लिंगी तो इसकी प्लीट्स बहुत मोटी मोटी बनी है. बट आई ट्राइड. आई होप इट्स लुकिंग नाइस. एंड वी आर बैक. लिपस्टिक एकदम इंटैक्ट है. पहली बार तीन लिपस्टिक मैंने लेयर करी है इसलिए एकदम इंटैक्ट है. वरना मेरी लिपस्टिक बहुत जल्दी यहाँ से फेड हो जाती है. ये लेंस मुझे समझ नहीं आ रहा है. आई डोंट नो दे आर नॉट सूटिंग मी. वाला जो ब्राउन कलर है ना मेरे पे थोड़ा ऑड लग रहा है. मुझे अपना प्योर हेजल वाला यूज़ करना चाहिए. हनी वाला एक्सपेरिमेंट ठीक नहीं था. बट या दिस इज द आउटफिट लुक. फर्स्ट टाइम मैंने ब्लैक पहना. लेट मी नो कैसी लग रही है. दिस साड़ी इज बाय MM क्रिएशंस. अगर लिंक चाहिए होगा मैं नीचे दे दूँगी. एंड या वी आर डन. अब हम सोने वाले हैं. कल है हमारा व्हाट इज़ अ फंक्शन कल. हल्दी फंक्शन है कल सुबह. सो उसके लिए रेडी होना है. फिर हम घूमेंगे थोड़ा सा अलवर राजस्थान. सो या ये हील्स मैंने पता नहीं अपने सगन पे कैसे पहनी यार. दीज आर लिटरली कुतुब मीनार. ये साड़ी का पल्लू ज़्यादा टक ना करना पड़े इसलिए मैंने इतनी हाई हील्स पहनती. अदरवाइज मैं इतनी हाई हील्स नहीं पहनती और मेरे पैर अब बिल्कुल डेड हो चुके हैं. सो या लेट्स स्लीप. द नेक्स्ट डे गुड मॉर्निंग फ्रॉम राजस्थान. ओ भाई साहब कितनी मस्त धूप है यार. दिल्ली में तरस गई ऐसी धूप के लिए. बहुत अमेजिंग सी धूप आ रही है. हम ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं. नाउ वी हैव हल्दी सेरेमनी और हल्दी सेरेमनी की थीम है पर्पल. सो मैंने भी कुछ पर्पल आउटफिट का एक जुगाड़ बनाया बिकॉज आई लॉट ऑफ सिंगल आउटफिट जो मैंने इंडिया से लिए थे और अब उसका एक कॉम्बिनेशन बनाया मैंने. सो लेट्स सी वो कैसा बनता है. मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ. धूप फील्स नाइस. सो तैयार होते हैं. आई थिंक आई कैन शूट अ नाइस क्विक गेट रेडी विद मी बिकॉज कल तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला था. आते ही रेडी होना था. एंड या लेट्स डू इट. ऑल्सो मैंने जो कल नेल्स ये लगाए थे ना लुक एट दिस. ये मैंने नेल्स लगाए थे कल. सो मेरे थोड़े थोड़े निकल गए थे. मैंने दोबारा इनको स्टिक ऑन किया है. बट दीज आर नाइस. मुझे जुगाड़ बड़ा सही लगा. अगर कहीं जाना हो ना इमरजेंसी में. सी सुंदर लग रहा है ना. कहीं जाना और नेल्स कराने का टाइम ना हो आई थिंक दिस इज़ अ रियली नाइस आइडिया. जिंदगी में मुझे सब मिल जाएगा लेकिन राइट एंगल ही मिलेगा शूट करने का. आई थिंक दिस इज़ राइट. आई थिंक सही दिख रहा है. ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड. एक प्यारा सा हल्दी लुक क्रिएट करना है हमें. आई हैव माई मेकअप का पिटारा हुआ हेयर. ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना. डे टाइम का एक लाइट सा मेकअप करना है बिकॉज डे टाइम में जितना लाउड आप मेकअप करो ना वो उतना केकी दिखता है. सो स्टेप नंबर वन इज़ फेस वॉश. ऑब्वियसली वो मैंने कर लिया. आई हैव ऑलरेडी क्लेंज्ड माई फेस प्रॉपरली. आई वोर माई लेंसेज. माई फेस इज क्लीन. नाउ स्टेप नंबर टू इज़ गुड मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन. सो क्या होता है ना काफ़ी बार मैं भी जब ट्रैवल करती हूँ मैं एक अच्छा मॉइस्चराइजर रखना भूल जाती हूँ या फिर जल्दी जल्दी में जब आप होते हो आपको मॉइस्चराइजर भी चाहिए सनस्क्रीन का बेनिफिट भी चाहिए. सो इन दैट केस आई यूज़ अ नाइस हाइड्रेटिंग डूई सनस्क्रीन बिकॉज उसके ऊपर जब मेकअप होता है ना वो भी काफ़ी अच्छा होता है. अगर आप एकदम मैट सनस्क्रीन यूज़ कर लोगे ना फिर उसके ऊपर मेकअप करोगे वो बहुत ज़्यादा केकी हो जाएगा. सो सिंस मुझे डे टाइम का एक लाइट मेकअप लुक क्रिएट करना है तो मैं कोई मैट सनस्क्रीन नहीं यूज़ करने वाली. आई एम गोना यूज़ माई ट्रस्टी डर्माको की डूई सनस्क्रीन. दिस इज़ द SPF 50 PA 4x+1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन जेल. दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. इसकी तो मैंने पता नहीं कितनी ट्यूब्स फिनिश करी हैं. आई थिंक आई हैव वन इन माय बैग एज वेल. यहाँ पे मेरा बैग रखा है. एक बार देखती हूँ शायद मैंने अपने बैग में भी एक रखी हुई है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. या आई हैव वन इन माय बैग एज वेल. सो यू कैन सी हैव टू ट्यूब्स हेयर. एक मैं ऑलरेडी रिसेंटली फिनिश कर चुकी हूँ. सो यू गाइज नो माई लव फॉर दिस पर्टिकुलर सनस्क्रीन. दिस डर्माकोस 1% हाइलुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल हैज़ अ पावर ऑफ SPF 50 विद PA 4x+. इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी लाइट वेट है. ये फ्रेग्रेंस फ्री फॉर्मुलेशन है तो सेंसिटिव स्किन को भी सूट कर जाएगी. एंड इट हैज़ नो वाइट कास्ट. यू कैन सी कितना ब्यूटीफुली मेरी स्किन में ब्लेंड हो रही है. इट हैज़ अ इफेक्टिव कॉम्बिनेशन ऑफ हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन ई
दोनों ही बहुत अच्छे से सन डैमेज के साथ फाइट करते हैं, एट द सेम टाइम स्किन को एक हाइड्रेशन भी देते हैं। हाइलुरोनिक एसिड एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, स्किन को रिप्लेनिश करता है, रिटेन करता है कोलाजन प्रोडक्शन को, रिड्यूस करता है रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। देन इट हैज विटामिन ई व्हिच इज एनरिच्ड विद एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। ऑल्सो डू यू नो डर्माको हैज एम्पावर्ड 10,000 स्टूडेंट्स दिस ईयर विद अ यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। सो एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलॉन्ग विद भूमि। अगर आप डर्माको से लेना चाहते हो, यू कैन यूज माई कोड Kashika2024 फॉर एक्स्ट्रा 20% ऑफ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ग्रैब इट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, नायका एंड पर्पल। मैं सबके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो प्लीज चेक कर लेना। फेस इज ऑल डन, मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन दोनों का काम कर दिया डर्माको की सनस्क्रीन ने, सो अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। फटाफट से मैं प्राइमर लगा रही हूँ यूजिंग माई मैक का एल्यूमिनेटिंग प्राइमर। सो ये पोर फिलिंग नहीं है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं है, बस हल्का सा एक एल्यूमिनेटिंग इफेक्ट देता है तो एक प्यारा ग्लो आता है। सो इसको मैं हाई पॉइंट्स पर यूज़ कर लेती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी मेकअप करने वाली हूँ बिकॉज आई हैव वेरी लेस टाइम, हार्डली 15 मिनट्स बचा है, मैं नीचे जाना है। यूजिंग माई करंट फेवरेट मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइंड कंसीलर इन द शेड कैरमल। We are back from the function, sunlight aur zyada strong ho gaya, but this is my full outfit. I'm sorry main shoot karne ke baad pura record karna bhul gayi because bahut zyada late ho rahe the. Lipstick meri halki si fade out ho gayi hai and yeah, love this, super comfy. ये मैंने लिया था इंडिया की वेबसाइट से लिया था, बट आई थिंक दिस इज अवेलेबल ऑन अमेजोन और मिंत्रा एज वेल। पैंट्स मैंने ये ऐसी रैंडमली एक बार अमेजोन से ली थी, मेरे सारे आउटफिट के साथ गोल्डन चली जाती है। दीज इयर रिंग्स आर आई थिंक फ्रॉम सदर मार्केट, आई डोंट नो, मैं बहुत पहले लेके आई थी शादी के टाइम। एंड या दिस पेंडेंट इज फ्रॉम थाईलैंड, मैंने बैंकॉक के एक स्ट्रीट मार्केट से लिया था, लव दिस वन। सो फाइनली हम चेंज करने वाले हैं। सो अब आज का दिन हमारा पूरा खाली है, वी आर डन विद हल्दी मेहंदी सेरेमनी एंड शादी कल है। सो आज हम सोच रहे हैं थोड़ा सा अलवर सिटी एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। सो या लेट्स क्विकली चेंज एंड एक्सप्लोर द सिटी। चेंज टू अ कम्फर्टेबल आउटफिट, मैं पूरा दिखाती हूँ, रुको मैं मिरर में दिखाती हूँ। वी हैव अ लॉन्ग मिरर हेयर, सो दिस इज द आउटफिट, इग्नोर द मेस, आसपास काफ़ी ज़्यादा मेस है, बट या दिस इज़ द आउटफिट। ये मैंने अमेजोन से लिया था, इट्स अ वेरी नाइस कम्फर्टेबल थ्री पीस सेट, मैंने यहाँ पे नॉट बांधी हुई है। इट हैज़ अ क्रॉप टॉप, अ पैंट, नीचे मेरे फुटवेयर्स। या लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द सिटी। में ट्रैफिक होता है, राजस्थान में बरात ट्रैफिक होता है। ये वहीं पहाड़ पे जा रहे हैं सारे, हैं आंटी हटी मेरी, सारे फोर्ट्स बंद, मंदिर बंद और हम पिज्जा खा रहे हैं। The next morning. Hi guys, it's officially the last day in Alwar, मतलब officially तो नहीं, मतलब कल भी हम होंगे बट कल हमें निकलना है। आज है शादी, हम ब्रेकफास्ट करके आ चुके हैं। कल मैंने बोला था ना, आई थिंक लास्ट व्लॉग जो मैंने इस कैमरा से बनाया था, इट वॉज लाइक कि हम घूमने जा रहे हैं अलवर एक्सप्लोर करने, और हम निकले आई थिंक 3 या 4 बजे थे। एंड अलवर में जो लेक है, जो इनका सर इसका टाइगर रिजर्व है, फिर वहाँ से एक मंदिर भी जाता है, वो क्लोज हो जाता है, वो 3:30 के बाद प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री नहीं देते। सो हमने सोचा चलो कोई नहीं, ग्राउंड मार आते हैं। सो कल हमारा वो ट्रैवल प्लान तो कैंसिल हो गया, लेकिन आज हम जाने वाले हैं। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, इट्स ऑलमोस्ट
11:30 समथिंग, सो अब फटाफट से नहाने वाली हूँ। आज मुझे हेयर वॉश भी करना है बिकॉज 3 दिन हो चुके हैं, हेयर हो गया ग्रीसी। आज जो मुझे पहनना है आउटफिट वेडिंग में, मैंने वो हैंग भी कर दिया है। सो या लेट्स क्विकली गेट रेडी एंड फाइनली एक्सप्लोर अलवर बिकॉज कल हम अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं एंड वी आर रेडी टू गो। आई एम वेयरिंग कश्माना, बाय द वे इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। ये हमारा हॉट सेलर प्रोडक्ट है, वी हैव लॉट ऑफ स्टॉक लेफ्ट इन दिस एंड इट्स ऑन सेल एज वेल, सो इसका भी लिंक अगर चाहिए होगा आई प्रोवाइडेड। नाउ वी आर लीविंग फॉर सरिस्का। सरिस्का इन जा रही है टाइगर रिजर्व, मैं ऑलरेडी गई हुई हूँ बहुत पहले, आई थिंक ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स पहले मैं सरिस्का टाइगर रिजर्व गई थी एंड इट वॉज एन एवरेज एक्सपीरियंस। तो वहाँ नहीं जा रहे, वी आर गोइंग टू करनी माता टेम्पल विच इज एक्चुअली गॉडेस ऑफ राजपूत्स द कम्युनिटी एंड आई रियली वॉन्टेड टू गो देयर, वो मैंने कभी विजिट नहीं किया एंड आई थिंक रास्ता वहीं से जाता है। वी हैव टू क्रॉस सरिस्का पहले एंड देन पहाड़ ऊपर चढ़ना है एंड देन द मंदिर कम। सो या लेट्स गो। सीधा टिकट लेनी होगी, कहाँ से लेनी सर? जल लेकर गाड़ी मंदिर की भी टिकट है। हाँ ठीक है, मंदिर की टिकट है। मतलब भाई क्या है कि मंगलवार और शनिवार को टिकट नहीं है। आज क्या है? आज मंडे है। मंडे है, कल है। चलो यहाँ से टिकट लेनी है। हाँ वहाँ से बात कर लेना होगा। ठीक, किसी से बात करो। गॉट द टिकट, 70 रुपए की टिकट मिली है। बाय द वे जो प्राइवेट कार है वो खाली 3:30 तक ही जा सकती है, अगर आप 3:30 के बाद आओगे तो आपको यहाँ की जीप करनी पड़ेगी। सो आप कम हो ली वो फोर्ड का पे बोला ये फोर्ड के कौन सा फोर्ड दिव्य धाम कितना नीचे है ये, यहाँ पे है भी नहीं कोई यार, ऐसा लग रहा है अकेले। धाम इज लाइक पिलग्रिम को धाम बोलते हैं शायद, मुझे डर ही लग रहा है यहाँ पे कोई है नहीं ऐसे अकेले। चलो भाई जय माता दी, जय माता दी बोलो। चलो जय माता दी। उसे कहता बस थोड़ा ही आपको नीचे उतरना है। इंसान कितना बुली करता है मेरे को। सोच के चीता मिल जाए। अमन ऐसे मत बोल यार, तो वैसे ही मेरे को डर लगता है। शट अप। जय माता दी। कोई नहीं, माता का शेर है, रक्षा करती है माता। जय माता दी। बस ये रिजर्व है, आगे जाके वो टाइगर रिजर्व शुरू हो जाता है जो जीप में जाते हैं। प्राइवेट कार भी जा सकती है बट मैं गई हूँ यार। ओके ओके शायद मंदिर वॉज गुड, अच्छा लगता है मंदिर जाके, एकदम कामनेस फील होती है। लिटरली राजस्थान में एकदम पहाड़ों वाला व्यू मिल गया हमें, शिमला हिमाचल वाला, बट इट्स अमेजिंग। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, थैंक गॉड मैंने फुल स्लीव्स पहना बिकॉज काफ़ी ठंडी ठंडी हवा है। नाउ लेट्स गो बैक। जय माता दी हमारे अच्छे दर्शन। चलो वापस चलते हैं। क्या उतरना पड़ेगा? यहाँ बंदर है बाहर, ये रे बंदर बैठे हैं। जा जा। ऐसे ही ले लेते हैं ना। आ गया वो। आ गया बाहर, आ गया। ये हमें दूसरी पर्ची दिया, इसका टाइम भी गलत है। ऐसे स्कैम होते हैं इंडिया में, कैश इन्होंने रख लिया हुआ वो पर्ची काट के दे दी। गवर्नमेंट दिस इज सिलीसर लेक, सिलीसर ना सिलीसर, आई होप ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं, बट दिस इज ब्यूटिफुल यार। अलवर को भी मैंने अंडर एस्टिमेट किया था, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस यार, कितने सुंदर लेक है। लुक एट द व्यू, यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। आई थिंक जो उन्होंने हमारी टिकट काटी है वो बोटिंग की ही है, पर हम बोटिंग कर नहीं रहे, आई डोंट नो, मेरा मन नहीं है बोटिंग करने का। यहाँ द व्यू इज़ अमेजिंग एंड दिस इज़ द सिलीसर लेक पैलेस। ये पूरा पैलेस बना हुआ है, इसमें रेस्टोरेंट है, पीछे रेस्टोरेंट है, सो यू कैन हैव फूड एंड ऑल एज वेल। लव द वाइब। और यहाँ पे मंकीज भी हैं, तो थोड़ा ध्यान से मुझे शूट करना है बिकॉज़ यहाँ पे मंकीज घूम रहे हैं। बाय बाय लेक, फिर से आएंगे। बाय। गाड़ी खड़ी नहीं है, लिखा हुआ है जिला मजिस्ट्रेट। हाँ कह रहा था वो कोर्ट आएगा और कोर्ट से रास्ता जाएगा। मूसी महारानी की छतरी जा रहे हो। मूसी कोर्ट है, स्लाइड कोर्ट है, मूसी महारानी छतरी। तो ये क्या है? रास्ता ये मूसी महारानी की छतरी नहीं है? नहीं है, नहीं। वो पास में ही है, पास में है, पीछे है, ये रास्ता है इधर से। लो
हमें गूगल ने गलत बता दिया, दिस इज नॉट मूसी महारानी की छत्री, ये क्या है? ये महल है, ये उनका महल है, उनका नहीं पता। आई थिंक वो जो मूसी महारानी की छत्री है दैट इज अ म्यूजियम, उन्होंने वो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। दिस इज आल्सो योर डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट। ये लो मेरी वाली अभी भी बोल रही है डेस्टिनेशन इज ऑन द राइट, गूगल इज ऑलवेज रॉन्ग। ये है मूसी महारानी की छतरी। प्ले कहाँ पे? अमन इज सिंगिंग दैट मंजुली का वाला गाना। दिस वाज आवर लास्ट टूरिस्ट प्लेस। ये क्या बना हुआ है? पजल? ये क्या है? पजल खेलते हैं। सो दिस वॉज आर लास्ट टूरिस्ट प्लेस, मूसी महारानी की छतरी। यहाँ से अच्छी आ रही है, देख कितना अच्छा कवर हो रहा है। नाइस। 2 hours later. Hi guys, we are back and finally it's the शादी day जिसका हम सब वेट कर रहे थे। हम टाइम पे वापस आ गए। Now I just have 1 hour to get ready और आज मुझे curls भी करने हैं because straight बाल मैंने 2 दिन रखे हैं, बड़ा boring सा हो गया था, तो अब थोड़े से curls करेंगे। I have to iron my outfit as well. This is the same sharara set that I wore for my pug fera. जल्दी जल्दी में हुआ ना, बट आई लव द मेकअप। क्या खा रहे हम? पाव भाजी। राजस्थान ठंड है यार। पानी। एंड वी आर बैक रिमूविंग मेकअप। काफ़ी सारा मेकअप किया था तो डबल क्लेंजिंग करनी पड़ेगी, बट यार वेरी वेरी टायर्ड। सुबह के 3:30 या 4 बज रहे हैं, फेरे विदाई सब कुछ हो चुका है एंड कल सुबह हमें अर्ली चेकआउट करना है बिकॉज वी हैव टू लीव फॉर दिल्ली बैक टू नॉर्मल वर्क लाइफ। ये उतर क्यों नहीं रहा यार, ओह गॉड, इन लैश ग्लू उतरती नहीं है। Hi guys, we are finally leaving Alwar. हमारा 3 nights, 4 days, जो भी था अच्छा था। It's like my first ever destination wedding and I loved it. I hope you guys enjoyed the vlog. This is like my first ever destination wedding vlog. मैंने पूरी कोशिश करी है ज़्यादा से ज़्यादा clips include करूँ। Though I'm not good at vlogging, but still I tried my best. इस वीडियो में अगर मैंने किसी प्रोडक्ट की बात करी है, किसी भी प्रोडक्ट की कोई रिव्यू दिया है, कुछ भी बोला है, सबके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। So please check the description box and yeah, till